हर्बलिज्म विद हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला में हम आपको विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक औषधि पौधों से परिचित कराते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको नागहोन से परिचित कराएंगे। इसको दमनक के नाम से भी जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नाम है आर्टिमीजिया निर्गिरिका। दमनक झाड़ीनुमा पौधा होता है। आयुर्वेद में इसके औषधि गुण अनगिनत होने के कारण सदियों से इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए किया जाता है। दमनक का सुगंधित पौधा दर्द निवारक की तरह काम करता है। दमनक प्रकृति से कड़वा, तीखा, कसाई, शीतल होता है। यह रूखा, तीखा, त्रिदोष यानी कि वात, पित्त, कफ को कम करने वाला, गंधित ग्राही, स्तंभक, बल कारक तथा रसायन होता है। यह विषकुंड, कंडू यानी कि खुजली को हरने वाला होता है। इसके पत्ते कड़वे, सूजन कम करने वाले, घाव ठीक करने में मददगार, मूत्र संबंधी रोग, वाजीकरण, भूख बढ़ाने में सहायक, पाचन में सहायक, कृमि को खत्म करने वाला, बुखार के इलाज में लाभदायक तथा रक्त की कमी को कम करने में फायदेमंद होते हैं। इसकी जड़ बल कारक एवं विरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक होती है। इसके फूल श्वास संबंधी समस्या, खांसी, सूजन, कुछ त्वचा रोग, मूत्र का दर्द, पेट की कृमि, बुखार तथा पांडू या पीलिया इलाज में सहायक होते हैं। कान दर्द में राहत पाने में दमनक का इस्तेमाल ज्यादा काम करता है। इसके पत्ते के रस को 1-2 बूंद कान में डालने से कान दर्द से राहत मिलती है। खांसी में अगर किसी भी तरह से खांसी कम नहीं हो रही है, 5-10 मिलीलीटर दमनक का काढ़ा पिलाने से खांसी दूर करने में मदद मिलती है। दमनक का काढ़ा बनाकर 10-15 ml मात्रा में पीने से पेट की कृमियों तथा पेट दर्द में राहत पाने में मदद मिलती है। इसके पत्ते के काढ़े में 1 ग्राम दालचीनी चूर्ण डालकर पिलाने से पेट दर्द दूर होता है। यह बदहजमी दूर करने में भी लाभ दायक है। दमनक अगर खान पान में गड़बड़ी होने के कारण बदहजमी की समस्या कम नहीं हो रही है तो पत्तों का काढ़ा बनाकर 10-15 ml मात्रा में पिलाने से जठराग्नि बढ़ती है। पेट की कृमियों में भी यह लाभदायक है। 10-20 ml पत्ते के काढ़े में 65 mg हीम चूर्ण डालने से आंतों के कृमि मर जाते हैं। इससे कृमि होने की समस्या धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। लीवर संबंधी समस्याओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर लीवर संबंधित बीमारियों से परेशान है तो इस तरह से इस्तेमाल करें। पत्तों को पीसकर पेट पर लगाने से यकृत विकार का शमन होता है। वरण के इलाज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों को पीसने से लेप करने से रक्त का स्तंभक और घाव जल्दी भरता है। एलर्जी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर किसी बीमारी के कारण एलर्जी से परेशान है, इस पौधे को पीसकर लेप करने से पार्किंसंस, कंपपात धीरे धीरे कम करने में लाभदायक है। इसको बच्चों के सर पर लगाने से राहत मिलती है। विषम ज्वर हो या मलेरिया के इलाज में भी यह बहुत लाभकारी है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 10-20 ml मात्रा में पिलाने से ज्वर से राहत मिलने में आसानी होती है। कमजोरी दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 10 ग्राम पत्तों में 10 ग्राम शतावरी जड़ को मिलाकर इसका काढ़ा बनाएं और उस काढ़े को 10-20 ml मात्रा में पिलाने से शारीरिक बल मिलता है। इस औषधि पौधे के जो उपयोगी भाग हैं, पत्ता, पंचांग, बीज, यदि आप किसी खास बीमारी के घरेलू इलाज के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह पर ही इसका उपयोग करें। इसकी मात्रा 10-15 ml काढ़ा या 1 ग्राम चूर्ण ले सकते हैं। यह विश्व में शीतोष्ण कटिबंधी जैसे यूरोप, एशिया, थाईलैंड, जावा एवं श्रीलंका में पाया जाता है। भारत में यह पहाड़ी जंगलों में 1600 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर, पश्चिमी हिमालय में 1600 से लेकर 2600 मीटर की ऊंचाई पर, सिक्किम में इसके अतिरिक्त खासिया की पहाड़ियों, आबू, पश्चिम घाट, कोंकण एवं केरल आदि स्थानों में भी यह पाया जाता है। हर्बलिज्म विद हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत हम आप तक विभिन्न प्रकार के औषधि पौधों की जानकारी पहुंचाते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे प्राकृतिक औषधि पौधों के गुणों के बारे में जानते हैं तो अपने विचार कमेंट्स में व्यक्त करें। इसी के साथ हम एक और नए प्राकृतिक औषधि पौधे की जानकारी लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे।